भाई साहब, अब मुझे पता चला कि आप क्या देखना चाहते थे इतने दिन जो कमेंट कर रहे थे ना। तो मैं और मेरा दोस्त चीन का है, इनका नाम है यन, और हम दोनों जा रहे हैं वो मार्केट देखने के लिए जिसके लिए आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे। तो अभी हम चलेंगे वहाँ पे, और जो भी दिखे देख लेना, आप बुरा ना मानिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन है यही है जो है वो दिखाएंगे आपको। इट्स ओके, लेट्स गो। तो मेरा हॉस्टल वो वाला है, ये पीलो वाला, वहाँ से ये वाली रोड है, बस बिल्कुल क्लोज है, और इस रोड पे जाते ही आपको झलक देखने को मिल जाएगी। इस तरफ से हम आए थे और यहाँ पे हम रुके हैं। अभी हम चलते सीधा कंटिन्यू इस तरफ, और आगे बीच भी आएगा। सो बीच पे तो अभी जाएंगे, और नाइट में आपको बहुत कुछ दिखाने वाले, लेकिन सबसे पहले तो डे टाइम में क्या होता है वो देखना है। अभी हम जाएंगे, कुछ कोई कुछ बोले तो ध्यान रखना आप। मेरा फ्रेंड आगे चल रहा है, तो हो सकता है कुछ, ये है ना सब मसाज की दुकान है, और यहाँ पे होता है मसाज, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मसाज होते हैं। हेलो, ना ना, मसाज का मतलब तरीके तो आपको पता ही है, बहुत प्रकार के मसाज होते हैं, फुट मसाज, पूरा फुल बॉडी मसाज, टैटू, यहाँ पे क्या नहीं होता है वो बताओ आप। तो हम वो सब तो है ही है, देख दिखाने वाले हैं, चलते हैं इसको कंटिन्यू देखते हैं, देखने का ही मजा है। देखो यहाँ पे 7-Eleven का स्टोर है जहाँ से आपको खाना मिल जाता है। और ये है मोबाइल की दुकान, आई थिंक यहाँ पे मोबाइल का सब सामान मिल जाता है। यस, ये देखो, ये कुछ भी कर सकते हैं जो अभी हैं। माई फ्रेंड गो कंटिन्यू, यस आई गो हियर टू। देखा ना आपने, जब कैमरा होता है ना तो सब लोग घूम जाते हैं, बात जो बात करने की होती है ना वो नहीं करते हैं। कंटिन्यू चलते हैं इस तरफ, यहाँ पे आके बाइक बस जाना चाहते हुए मोटर बाइक रेंट पे मिल जाती है। सो हाउ मच, 250, ओके वन डे 250 बात, यानी कि 500 रुपये में आपको बस मिल जाती है। सो अभी ओपन, ये है मसाज यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे तो देख लिया आपने, ये सब थाई मसाज जिसको बोलते हैं, और सब आई थिंक लेडी बॉय, जिनको लेडी बॉय कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं मुझे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, बार, बहुत कुछ है यहाँ पे। ये देखो अच्छे लोग भी है, ये बहुत बड़ा है देखो पूरा, और ये देखो इन्होंने मुंह पे लगा दिया है। कम ऑन, नो वीडियो माई ब्रो, नो वीडियो। ए माई ब्रो, हेलो, कम ऑन। सो हाउ फील यू हियर? इट्स एक्साइटिंग। एक्साइटिंग? एक्साइटिंग। सो लुक, फर्स्ट टाइम लाइक दिस टाइप? Here is a fantastic, relax. Relax. Yeah, you can easily enjoy your life here. Yeah. Not only food, but also a beautiful sight. Massage and. Massage and. Like try, the... but yeah, we'll try later. Yeah. Maybe. Massage is too expensive. Yeah. Yeah. Kind of. Yeah. I'm a budget traveler. Mm-hmm. Yeah. So Bangkok is good, or Phuket, this Patong Beach is good. Patong. Like this. Like I think, yeah, this is better. Like more center. More better than Bangkok and Phuket. Phi, right? Yeah, than the Phuket center. Yes. Yeah. Exactly. Yeah. So, ये देखो अभी नाराज तो होने ही वाले हैं, लेकिन so हम क्या कर सकते हैं? देखो जा रहे, भाग के जा रहे हैं। हेलो, आप कौन का? I think ये भी मसाज होता है। No, thank you. मुझे नहीं चाहिए मसाज। आप बर्मा से हैं? हाँ, पता चल गया।
Burma. Are you sure? Beachy this way? Yeah. Beach this side, yeah. No, thank you. तो बर्मा के भी बहुत सारे लोग हैं जो नेपाली जैसे ही दिखते हैं और नेपाली में बात भी करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। तो हम चलते हैं कंटिन्यू। ये बाइक देखो भाई, क्या जबरदस्त बाइक है, होंडा। यस, नो नो, सो हाउ मच प्राइस दिस बाइक, न्यू बाइक? नो रेंट। ओके, शोरूम प्राइस। माय फ्रेंड चला गया भाई, उसको देख के पीछे। ये क्या है, क्लब सैंडविच? तो ये बहुत ही जबरदस्त जगह है। यहाँ की मार्केट देखो भाई, कितनी सजी धजी मार्केट है और बहुत सारे यहाँ पे थाई स्पा है। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे आओ। कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे भाई यहाँ पे लूट लेते हैं, यहाँ पे मतलब लेडी बॉयज यहाँ सब लूट लेते हैं। ऐसा मुझे नहीं दिख रहा, मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ गलत करोगे या आप कहीं गलत जगह पे फंसोगे ना तो आपको लूटा जाएगा, बाकी ऐसे तो नहीं लूटा जाएगा। हेलो, यू आर फ्रॉम ब्रह्मा? शी इज ब्यूटीफुल बट ए दिस वन आल्सो म्यांमार? यस, लाइक इंडियन टाइप? यस। सो भाई ये क्या हार्ड रॉक कैफे, कितना बड़ा भाई, सो बिग कैफे दिस वन। और इसका देखो भाई गिटार भी कितना बड़ा है। सो हम चलते कंटिन्यू, और ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो सकता है। ये बिल्डिंग देखो कितनी शानदार है, चलते कंटिन्यू। हाँ यस, हार्ट रॉक फुट मसाज, यू रिक्वायर्ड फुट मसाज, यू वांट? No? No. oh sorry. Yeah, this one biggest hotel like Patong Marlin Hotel. Oh. तो ये है कहानियाँ, अभी तो कहानी शुरू हुई है, कहानी खत्म तो बहुत आगे जाके होने वाली है। और यही चीज़ रात में क्या होता है वो रात में दिखाने वाला हूँ, वो दूसरा वीडियो होगा। ये वाला वीडियो डे टाइम का है, अभी शाम के 5-1 बज गए हैं, हम लोग आए तब तक थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन ठीक है, दिन का भी देखना चाहिए। और बहुत लंबा चौड़ा बाजार है भाई, यहाँ पे मस्ट विजिट, ये जगह मिस नहीं करिएगा। और इसीलिए तो डायरेक्ट लोग फुकेट आते हैं, मतलब फुकेट बोला था, फुकेट सिटी में नहीं जाना है, फुकेट ये पाटोंग बीच कहते हैं, इस एरिया में आपको आना है। और देखो भाई साहब, सो हम चलते हैं कंटिन्यू। मेंस हेयर कट लाइक स्पा, नो थैंक यू। हाँ अब मुझे पता, व्हाट? ओ लाइक दिस वन, थैंक यू। कंटिन्यू चलते हैं ना, फेस ज़्यादा देर ना दिखा, तो मैं आगे का ही दिखाता हूँ, फेस नहीं दिखाता हूँ। ओके कंटिन्यू। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहाँ पहुँचे और हमारे दोस्त मिल गए जो हम लोगों ने फिफी आइलैंड में साथ में बहुत सारी मौज करी थी, और अचानक से हमें इस गली में मिल गए, और अब ये लोग वापस इंडिया जा रहे हैं। लेकिन बड़े धोखे की बात ये रही कि यहाँ पे हमारे माइक ने काम करना बंद कर दिया। हम दोस्तों लोगों ने आपस में जो बात की और जो परिचय करवाया था वो मैं आपको नहीं सुना सका, बहुत दुख हुआ। और आगे चल करके काफ़ी देर तक हमारे वीडियो में आवाज़ बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बहुत दुखद और बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती लेकिन नहीं सुन पाए। तो दोस्तों से मिल करके जैसे ही थोड़ा आगे निकले और ये दिखी हमें मार्केट, और इसके ठीक सामने हमें दिखा बीच वाला एरिया, तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्केट थी। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और बार बने हुए हैं। ये बांग्ला या पाटोंग रोड नहीं, ये उसके ठीक थोड़ी सी दूरी पे एक दूसरी और मार्केट है, तो वो वाली बाज़ार है। अब हम धीरे धीरे चलते हैं बीच के जो रोड है वहाँ पर, और साथ में दिखाते हैं बीच के ऊपर बना हुआ एक सर्कल, और फिर चलते हैं हम समुंदर के किनारे पर, तो देखो आगे चल के हम क्या देख पाते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे एक टैक्सी मैन है जो हमें देख करके डांस करने लग गया, और बहुत अच्छा इंसान था, देखो सैल्यूट लगा रहा हम लोगों को।
लेकिन इससे भी काफ़ी अच्छी बात की थी, वो भी हम लोग आपको नहीं सुना सके। बहुत अच्छा इंसान था ये भी। अब ये इनका नाम वाम जो था मैं भूल गया, लेकिन ये भी बहुत निराशा हाथ लगी कि हम लोग आपको नहीं सुना सके, नहीं देख सके। तो अच्छे अच्छे देश में अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा नसीब ही ख़राब होता है तो हम कुछ मिस कर जाते हैं। तो अब चलते हैं बीच की ओर, और फिर बीच के किनारे पे जा कर के हम आपको आवाज़ सुनाते हैं जहाँ पे हमारा माइक ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। इसका साउंड सुनिए भाई, साउंड पानी में जाने के बाद साउंड सुनिएगा। नो नो थैंक यू, नो आई जस्ट रिकॉर्ड वीडियो। ये देखो ये क्या कर रहे भाई, बाइक से बांध करके नेट खींच रहे मुझे लगता है। यहाँ पे सामने सब देख सकते हैं चेयर लगी हुई है। ये और यहाँ पे नहाने की जगह, जैसा कि यहाँ पे झंडा मारा हुआ है स्विम हियर। वापिस आ रहा है, मैं यहाँ पे खड़ा था। और यहाँ पे देखो आप बड़ी वाली जेट्स की है ना, वो उसके पीछे पैरासीलिंग वो पीले वाला बांध के दो लोग और एक वो उसका बंदा, तीन लोग साथ में जाते हैं और 1500 बात लेते हैं। लगभग हो गया आपका करीबन 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा रुपए हो जाते हैं। एक बार यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से होते हुए पूरा उधर तक जाएंगे और उधर से फिर वापस लाएंगे। ये सब लोग मुझे लगता है इजिप्ट या उस अरब कंट्रीज के लोग हैं, सब एक ही जैसे हैं और उनकी जो स्टाइल है उससे पता चल रही है कि वहीं से। हम कंटिन्यू चलते हैं सीधा, वो वाली बोट है जो जा रही है आपको दिख रही है बड़ी वाली, और उसके पीछे ये लगा दिए। फुकेट, फुकेट सिटी यहाँ से तो 20-15 किलोमीटर दूर है, लेकिन सब लोग इसको फुकेट ही कहते हैं। ये देखो यहाँ के लोकल पीपल है। We later, yeah, we go to your hostel maybe, yeah, because I try to go back. I already booked one night, but if I know today I come here, I never booked the second night, but already. Yeah. Hey, today. You come tomorrow. Tomorrow, you. Tomorrow no. Tomorrow I directly go to Koh Phangan maybe. Yeah. And maybe I will directly go to Bangkok. Then go back here. No. Yeah. If you, I mean, kind of complicated. I think I will. I don't know Malaysia because Malaysia, if no quarantine, yeah, easy to get a visa. No need to download the application. Yeah. Maybe I will fly from. We meet in Vietnam. I fly from Vietnam to Malaysia. Yeah. दोस्त है वो हॉस्टल पे अभी मिली थी, so इधर आ गई है। Thank you. Hi. ये म्यांमार से हैं और अभी हम लोग यहाँ पे हैं, देखो सब। Yeah. ये भाई इधर समुंदर में नहा रहे हैं, मेरी टी शर्ट पहन के फोटो भी खिंचवाया। सब्सक्राइबर
सर्च ऑन यूट्यूब बंसी बिश्नोई। ओके भाई, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे चिल कर रहे हैं एंड फिर देखते हैं। हम तीनों लोग बैठ के बात कर रहे थे, ये म्यांमार, ये चाइना, आई एम फ्रॉम इंडिया। और अभी एक भाई आया था वो सऊदी अरेबिया से था। तो यहाँ पे हम बैठ करके सभी देशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लाइक वीजा, ट्रेवल। सो इनसे मिल कर योर नेम पैन, ओके अगेन पी ए एन पैन फ्रॉम म्यांमार, यान पैन बंसी, पैन यान बंसी। और यहाँ पे कुछ हो रहा है, पता नहीं डांस या योगा कह सकते हैं। रेस्टोरेंट, बार, मसाज हॉल, हॉल। So how to go return by bus? I think so. No, like? अभी मैं हूँ फुकेट में, और फुकेट की नाइट लाइफ तो भाई पता नहीं कब शुरू होगी, लेकिन हमारी यहाँ पे नाइट लाइफ शुरू हो चुकी है। सऊदी अरेबिया के काफ़ी सारे दोस्त हैं, 1, 2, 3, 4, एंड ये है अर्जेंटीना से, ये थाईलैंड से हैं, और एक दो म्यांमार, और वो दूसरे बंदे थे वो बाहर चले गए। तो इन्होंने मुझे वेलकमिंग मतलब चाय पिलाया, दिस वन यस, और बहुत शानदार चाय थी, और साथ में ये खजूर, वो अपने यू कैरी फ्रॉम अरेबिया, तो खजूर ये लेके आए, वो खजूर हमें खिलाया, बहुत ही अच्छी खजूर थी, और लोग है ना बहुत प्यारे है, सो लवली पीपल हियर। ओके ओके थैंक यू ओके।